सबसे मजबूत तंत्र कौन सा है देश में? तो कह रही आरएसएस। मैं एक मिनट गौर फरमाना चाहता हूं, कुछ तो है उनके अंदर कि हमें यहां उनकी बात करनी पड़ रही है, हमारे हर एक व्यक्ति को बात करनी पड़ती, कुछ तो है, नकारा लोग नहीं है वो, समर्पण है उनके अंदर जो हमारे लोगों में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ऐसा समर्पण जो अड़िग है, जो सिर्फ उद्देश्य देखता है। अगर उद्देश्य नहीं देखता तो नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा के नहीं लाता, उससे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे यहां, एक से एक तुर्रमबाज बैठे हुए थे, लेकिन वो वहां से उठा के लाया क्योंकि वो अपना उद्देश्य देख रहे थे कि हमें सत्ता कैसे प्राप्त करें।